हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सभी लोगों का स्वागत है डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिप्लेसमेंट ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स फ्रॉम एलोपैथी। दोस्तों, मैं आज आपको यहाँ पे 10 ऐसे छोटे छोटे हमारे रोजमर्रा के जीवन में देखे जाने वाले रोग के बारे में बताना चाहूंगा कि जिसके लिए हम एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करते हैं, जैसे कि सर दर्द होना, पेट दर्द होना, लूज मोशन होना, और ऐसे काफी 8-10 ऐसे डिसीज हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जिसमें हम एलोपैथिक दवाई का सेवन करते हैं, लेकिन उसमें भी हम आयुर्वेदिक दवाई को एज ए रिप्लेसमेंट लेके हम एलोपैथिक दवाई की साइड इफेक्ट से अपने आप को बचा भी सकते हैं और उस केमिकल को अपने पेट में ना डालते हुए आयुर्वेदिक औषधियों से हम अपने आप को उससे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आगे देखते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हैं कि जिसका हम रिप्लेसमेंट के स्वरूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले, कभी कभी हमें क्या होता है कि हमारा गला खराब हो जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है, गले में हम जब बात करते हैं तो खराश सी महसूस होती है, जिसके लिए हम जनरली विक्स या तो स्ट्रेप्सिल्स का सेवन करते हैं। तो दोस्तों, विक्स और स्ट्रेप्सिल्स का सेवन ना करते हुए हमें उसके लिए आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करना है। मैं आपको 2-3 आयुर्वेदिक औषधियों के नाम बताना चाहूंगा कि जो आपको सोर थ्रोट में यानी कि गले की खराश में बहुत आसानी से और इजीली आपको लाभ दे देंगी। सबसे पहली है आयुर्वेदिक औषधि जिसका नाम है एलादी बटी। एलादी बटी की 2-2 गोली सुबह शाम हमें चूस के लेनी है, या तो आप चरक फार्मास्यूटिकल की कोफल लोजेंजिस भी ले सकते हैं। कोफल टेबलेट आती है, छोटी छोटी गोलियां, ये कोफल लोजेंजिस, आप कोफल की टेबलेट्स जो है ये च्यूएबल टेबलेट्स हैं, सुबह शाम 2-2 लीजिए, सोर थ्रोट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तीसरा, आप कंठिल भी ले सकते हैं जिसमें कपूर, जावंत्री, जेठी मध, पिपर और इलायची, लविंग, ऐसी सब औषधियों का समन्वय है कि जो हमें सोर थ्रोट से बिल्कुल ही आसानी से निजात प्राप्त करवा सकती है। दूसरा रोग है पेट दर्द होना। कभी कभी हमें बहुत ज्यादा पेट दर्द होने लगता है, या कुछ लड़कियों को पीरियड्स के टाइम पे पेट दर्द होता है, या हमने कुछ अगले दिन खा लिया है उसके तो उसकी वजह से दूसरे दिन हमें पेट दर्द होने लगता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेफ्टल स्पाज, आप सभी लोग यही दवाई लेते हैं, मेफ्टल स्पाज। तो दोस्तों, मेफ्टल स्पाज का अल्टरनेटिव हमारे पास आयुर्वेद में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप क्या कीजिए, महाशंखवटी नाम की टेबलेट आप कोई भी आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल की ले सकते हैं। महाशंखवटी जो है वो प्यूरिफाइड लवण, यानी उसमें बहुत अलग अलग जात के नमक मिक्स किए हुए हैं, अलग अलग जात के प्यूरिफाइड लवण, प्यूरिफाइड गंधक यानी कि सल्फर, त्रिकटू और नींबू के रस की भावना देकर उसे तैयार किया जाता है महाशंखवटी। आप महाशंखवटी की 2-2 गोली सुबह शाम उसका सेवन करिए, पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीसरा, कभी कभी हमने अगले दिन गलत खाना खा लिया हुआ है, या हमें फूड पॉइजनिंग हो गया जिसकी वजह से हमें डायरिया हो जाता है, यानी कि दस्त लग जाते हैं, लूज मोशन हमें होने लगते हैं। लूज मोशन जैसे ही होते हैं हम हमारे जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं और हमें लोपरामाइड देते हैं, और लोपरामाइड जो है या तो मेट्रोनिडाजोल, ये हमें दिया जाता है। लोपरामाइड और मेट्रोनिडाजोल जो है ये एलोपैथिक कॉम्बिनेशन है, उसका आप आयुर्वेदिक रिप्लेसमेंट भी ले सकते हैं। आयुर्वेद में बिल्वादी चूर्ण करके एक औषधि इजीली अवेलेबल है, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाती है। बिल्वादी चूर्ण का 1 चम्मच हमको लेना है छाछ या तो ठंडे पानी के साथ। बिल्वादी चूर्ण 1 चम्मच छाछ, 1 ग्लास छाछ या तो ठंडे पानी के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। उसके बिल्वादी वटी यानी कि टेबलेट के स्वरूप में भी आती है, बिल्वादी वटी की 2-2 गोली आप छाछ या ठंडे पानी के साथ भी ले सकते हैं। चौथी डिसीज कंडीशन है फीवर यानी कि बुखार आना। 100 जब हमें थर्मोमीटर में 100 दिखाई दे तो उसको हम फीवर कहते हैं। जब भी हमें फीवर आता है दोस्तों, हम क्या करते हैं, क्रोसिन है, मेटासिन है या पैरासीटामोल, डोलो, ये सब पैरासीटामोल ही है, उसका हम सेवन करते हैं 500 मिलीग्राम, 650 मिलीग्राम। लेकिन फ्रेंड्स, आप उसके लिए आयुर्वेदिक औषधि का भी सेवन कर सकते हैं जो आपको इक्वली रिजल्ट्स दे सकती है। महासुदर्शन घनवटी के बारे में आपने सुना होगा, इसको मुहुर मुहु पद्धति से आपको लेना है। मुहुर मुहु पद्धति का मतलब क्या होता है कि 2-2 घंटे पे लेना है आयुर्वेदिक औषधि महासुदर्शन घनवटी से। अगर आप फीवर उतारना चाहते हैं, 2 गोली महासुदर्शन घनवटी की हर 2-2 घंटे पे दिन में 3 से 4 बार लीजिए, तो आपको परस्पिरेशन यानी कि पसीना होने लगेगा, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स जो है जिसको हम आम कहते हैं, वो आम के स्वरूप के टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकल जाएंगे और आपका फीवर भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये महासुदर्शन घनवटी 50 से ज्यादा आयुर्वेदिक हर्ब्स से बनी हुई है,
जिसको हम पुराने से पुराने बुखार में सुबह शाम दो दो गोली के स्वरूप में लॉन्ग टाइम तक भी सेवन कर सकते हैं। कुछ लोगों को लंबे समय का बुखार होता है, वो लोग भी महासुदर्शन घनवटी का 15 दिन का कोर्स करके उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे फीवर जैसे कि डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, कोई भी जात का फ्लू या स्वाइन फ्लू, कोई भी फ्लू आपको हुआ हो, उसके लिए महासुदर्शन घनवटी फीवर को ठीक करने के लिए अक्सर औषधि है। उसके बाद पांचवी डिसीज कंडीशन है सर दर्द। जब भी हमें सर दर्द होता है हम सेराडोन लेते हैं। दोस्तों सेराडोन की अल्टरनेटिव में आप आयुर्वेदिक औषधि का सेवन कर सकते हैं जिसका नाम है शिरह सुलादी वज्ररस। शिरह सुलादी वज्ररस की एक एक गोली सुबह दोपहर शाम तीन टाइम आप खाना खाने के बाद लीजिए, आपका सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शिरह सुलादी वज्ररस 20 से ज्यादा आयुर्वेदिक औषधियों का समन्वय करके बनाई गई है जिसमें गोखरू, आंवला, पिपली, गुगुल, हरितकी ये सब मिलाया हुआ है। अगर आपको सर दर्द सिर्फ शिरह सुलादी से ठीक नहीं होता तो आप उसके साथ साथ ब्राह्मी घनवटी की एक एक गोली का भी सेवन कर सकते हैं तीनों टाइम। उसके बाद छठी डिसीज कंडीशन है दोस्तों कॉन्स्टिपेशन, यानी कि हमारा पेट साफ ना होना, कब्ज होना। जैसे ही हमें कब्ज की शिकायत रहती है हम बिसाकोडाइल यानी कि डलकोलेस लेते हैं या तो डुफालिक जैसे लिक्विड लेते हैं, लेक्सेटिव लिक्विड 10 ml, 20 ml, 30 ml लेते हैं, जो हमारे आंतड़ियों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे इंटेस्टाइन की जो नेचुरल लुब्रिकेशन है उसको बिल्कुल खत्म कर देते हैं। उसकी जगह पे आप ऑप्शनल आयुर्वेदिक औषधि का सेवन कर सकते हैं त्रिफला गुगल। जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन रहता है वो त्रिफला गुगल नाम की आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करें जिसमें आंवला, बेहड़ा, हरड़, पिपली, गुगुल का मिक्स करके बनाया गया है। दो दो गोली सुबह शाम चबा के या तो उसको कूट के पाउडर करके पानी के साथ लीजिए, फ्रेंड्स आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। अगर ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है तो एक चम्मच कैस्टरल यानी कि एरंडी का तेल जिसे हम दिवेल भी कहते हैं, कैस्टरल का एक चम्मच गर्म गुनगुने मिल्क के साथ खड़े खड़े यानी कि हमें स्टैंडिंग पोजीशन में उसका सेवन करना है तो भी आप कॉन्स्टिपेशन को से आराम प्राप्त कर सकते हैं। सातवीं डिसीज कंडीशन है एक्सेसिव स्नीजिंग यानी ज्यादा छींके आना यानी एलर्जी की छींके आना। जैसे ही हमें छींक की एलर्जी होती है, बार बार छींकते हैं, हम क्या करते हैं सेट्रिजिन ले लेते हैं और उससे ठीक कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों सेट्रिजिन जो है उसकी एक साइड इफेक्ट है कि आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, आपको अपने काम में फोकस नहीं कर सकते हैं, तो उसका रिप्लेसमेंट में मैं आपको आयुर्वेदिक औषधि बताना चाहूंगा लक्ष्मी विलास रस। लक्ष्मी विलास रस एक प्योर आयुर्वेदिक औषधि है जो कपूर, धतूरा, शतावरी और गोखरू जैसी 17 आयुर्वेदिक औषधियों का समन्वय करके बनाई गई है। ये आपके साइनस को क्लीन कर देती है, ये आपके म्यूकस यानी कफ को बिल्कुल साफ कर देती है, आपके चेस्ट आपके फेफड़े हैं उसको बिल्कुल क्लीन कर देती। लक्ष्मी विलास रस की दो दो गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद अदरक के रस या तो शहद के साथ आप ले सकते हैं। कुछ दिनों तक इसका सेवन करने से आपकी सर्दी या छींकों का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद एसिडिटी, हमने कुछ भी नॉनवेज खाया या तीखा खाया या बहुत स्पाइसी खाया तो हमें छाती में जलन, खट्टे डकार, पेट फूल जाना, गैस हो जाना, जैसे ही ये होता है हम क्या करते हैं जेलोसिल नाम की एंटासिड ले लेते हैं या ओमिप्राजोल, ओमेएसडी ले लेते हैं, पेन डी ले लेते हैं, ऐसी बहुत सारी एंटासिड हम ले लेते हैं। आयुर्वेद में भी इसकी ऑप्शनल एंटासिड अवेलेबल है जो सेम इफेक्ट देती है लेकिन आपको साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं देती। आपको क्या करना है काम दूधा रस नाम की टेबलेट लेनी है जिसमें गिलोय सत्व, अभ्रक भस्म और उसके अंदर शुद्ध गंधक का कॉम्बिनेशन किया हुआ है। ये हाईली इफेक्टिव एंटासिड है फ्रेंड्स। ये आप एंटासिड के स्वरूप में दो दो गोली सुबह शाम खाना खाने से पहले, खाना खाने से आधा घंटा पहले लीजिए, आपकी एसिडिटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी दोस्तों। उसके अलावा अगर आपको पाइल्स की तकलीफ है, अगर आपको नाक में से खून निकलने की तकलीफ है, आपको वॉमिटिंग है या शरीर में कहीं भी बर्निंग या जलन हो रही है तो भी आप काम दूधा रस का सेवन कर सकते हैं। 500 मिलीग्राम की गोली आपको शहद के साथ लेनी है, उसका बेस्ट रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद नाक का बंद हो जाना ये हमारे लिए कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे ही नाक बंद हो जाता है हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हम क्या करते हैं विक्स वेपर अप लेते हैं। विक्स वेपर अप जो है ये एक आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम चीज है, उसके जगह पे आप कर्पूर आदि तेलम नाम की आयुर्वेदिक औषधि ले सकते हैं। कर्पूर आदि तेलम जिसमें कपूर के साथ दूसरी आयुर्वेदिक औषधियों का मिश्रण करके एक तेल बनाया जाता है। कर्पूर आदि तेल का आप थोड़ा सा गर्म करके आपके जो साइनस और आपका जो नाक है और आपका जो चेस्ट यानी कि छाती का पार्ट है इस पे आप हल्के हाथों से 2 से 5 मिनट तक मसाज करेंगे, आपका ब्लॉक नोज बिल्कुल खुल जाएगा और आप नेचुरल तरीके से अपने नोज ब्लॉक को ठीक कर सकेंगे। उसके बाद आखिरी चीज बताना चाहूंगा, आखिरी डिसीज कंडीशन बॉडी पेन।
कभी कभी क्या होता है हमें पूरे शरीर में हमारी नर्व्स पेन करती है, हमारे मसल्स पेन करते हैं, हमारे बोन्स में पेन होता है, सुबह उठते हैं तो बदन में जकड़न सी महसूस होती है। जैसे ही ये होता है हम क्या करते हैं, डेन पी ले लेते हैं, डाइक्लोफेनाक और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन वाली कोई भी दवाई ले लेते हैं, एसिक्लोफेनाक या पैरासीटामोल ले लेते हैं, जो मसल्स को रिलैक्स कर देती है। लेकिन अगर हम उसकी जगह पे आयुर्वेदिक रिप्लेसमेंट में जाए तो वात गजांकुश रस, वात गजांकुश रस नाम की टेबलेट हाईली इफेक्टिव है। सुबह दोपहर शाम एक एक गोली शहद के साथ आप ले सकते हैं, जिसमें रस सिंदूर, त्रिकटू, निर्गुंडी जैसी काफी सारी औषधियों का और हैवी मेटल्स का समन्वय करके एक बेहतरीन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन बनाया गया है, जिसको आप एक एक गोली सुबह दोपहर शाम खाना खाने के साथ शहद के साथ लीजिए। खाने के 20 मिनट के बाद इसको लीजिए दोस्तों, तो आपको बॉडी पेन में बिल्कुल राहत हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको 10 डिसीज कंडीशन बताई कि जिसमें आप एलोपैथिक दवाई के ऑप्शन में अल्टरनेटिव आप आयुर्वेदिक दवाई लेके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और हमारे इस चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।